नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स पर जा करके उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। दोस्तों आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। या तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। सब्सटेंसेस आर एदर केमिकल एलिमेंट्स आर कंपाउंड, मतलब जो रिएक्टेंट्स आपका हो सकता है, जो सब्सटेंस हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं आपके, कोई केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ है तो ये क्या है, ये सब रिएक्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये सब, ये लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट साइड वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो ये इसमें आपका एलिमेंट भी हो सकता है या कोई कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे ये सब तो एलिमेंट है पर्टिकुलरली, और ये सब पे अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो ये सब कंपाउंड मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट में आपका क्या हो सकता है, एक केमिकल एलिमेंट भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है, और प्रोडक्ट में भी ऐसा हो सकता है, एक एलिमेंट भी हो जाए मिल जाएगा और एक कंपाउंड भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंज द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू क्रिएट अ डिफरेंट सब्सटेंस एज प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब क्या करता है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या करता है, एटम को रीअरेंज करता है और फाइनली एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल है, जैसे H2 2H2 + O2 2H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और मैग्नीशियम प्लस O2 2MgO। दोस्तों अब फिर हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। तो मेनली जो करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसमें आप जो जैसा कि बुक में दिया है तो पांच ही टाइप के करेक्टरिस्टिक दिया है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया सॉलिड प्रोडक्ट, और चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आइए वन बाई वन हम लोग देखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय द चेंज इन कलर, चेंज इन गैस, ठीक है, सम केमिकल रिएक्शन करेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि डिफिनेशन एक ही रहेगा, सब में एक ही रहेगा, ठीक है। जो जो लिखना है आपको पॉइंट, वो सब में एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ गैस इज इवॉल्व, ठीक है। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है, सम केमिकल रिएक्शन करेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट, ठीक है। या तो आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि अगर आप एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे जो हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी हुई थी उसमें क्या हुआ था कि कुछ एसिड था,
और उस एसिड में गलती से आयरन पड़ गया था, आयरन के कुछ पार्टिकल्स थे उस एसिड में पड़ गए थे, तो उसमें से एक गैस का एवोल्यूशन हुआ, एक गैस निकली जिसमें हीट था। तो ऐसे ही जब उस गैस के बारे में जब उस घर को बाद में लोग आइडेंटिफाई किए तो वो हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग जिंक डाल दिए तो जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में जैसे कि ये पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट करके क्या बना दिया, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये पीपीटी हो गया। और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड दोनों रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और HCl बना दिया, जो कि बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। चेंज इन कलर का क्या क्या होता है, चेंज इन कलर अ केमिकल रिएक्शन इन विच कलर ऑफ ए कंपाउंड इज चेंज्ड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एक और तरीका होता है सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, ठीक है ना। एग्जांपल है जैसे साइट्रिक एसिड होता है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे जो कि पर्पल कलर का होता है, और वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, वो जो कलर होगा, जो पर्पल कलर होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं तो येलो कलर बन जाएगा, और इससे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या था, ऑरेंज कलर का था, और ऑरेंज कलर से ये जो कंपाउंड बनेगा वो येलो कलर का हो जाएगा। फोर पॉइंट है अपना चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच स्टेट ऑफ ए कंपाउंड इज चेंज्ड, ठीक है। तो एग्जांपल है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों गैस हैं और मिल करके रिएक्ट करके बना दिया क्या, वाटर बना दिया जो कि एक लिक्विड है, तो दोनों गैस हैं, गैस मिल करके एक लिक्विड बना दिया, ठीक है। या तो आप इसको और तरीके से लिख सकते हैं, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ स्टेट, या ऐसे लिख सकते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन इन विच स्टेट ऑफ ए कंपाउंड इज चेंज्ड, और एग्जांपल में आप इसको लिख सकते हैं जैसा कि आपको बोर्ड में जब लिखना होगा तब। इसके फिफ्थ पार्ट में देखेंगे हम लोग, फिफ्थ पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज्ड, ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब आर कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हीट इज प्रोड्यूस्ड और हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक इंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट, जब इसमें रिएक्ट कर लिया तो जिंक सल्फेट बन गया, जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जब रिएक्ट कर लिया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट निकल रही, हीट का ये सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, हीट का ये सिंबल है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम लोग, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, आप इसको रेस्पिरेशन में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स होता है, मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो आप उसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेस्पिरेशन का, जिसमें आप क्या होती है, हीट निकलती है, चाहे तो एनर्जी निकलती है। एक्सोथर्मिक का सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, मेथेन है CH4 और ऑक्सीजन रिएक्ट कर लिया, CH4 प्लस 2O2 रिएक्ट करके CO2 प्लस 2H2O और प्लस हीट। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच
heat is required to perform a chemical reaction. Endothermic reaction क्या होता है? A chemical reaction in which heat is required to perform a chemical reaction. या तो अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है उस डिफ्रेशन को भी लिख सकते हैं. Those reactions in which heat is absorbed. ठीक है, example लिखा हुआ है photosynthesis. ठीक है, photosynthesis जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्लस वाटर, ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है. दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन बोलते हैं या तो इसको चाक भी बोलते हैं या तो ये मार्बल का भी फार्मूला होता है. ठीक है, ये चाक का भी मार्बल का भी फार्मूला होता है. तो अब इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जिसको क्यूक लाइन बोलते हैं और CO2 हाइड्रोजन गैस निकलती है. ठीक है, अब इसमें हीट रिक्वायरमेंट का एग्जांपल है. दोस्तों अब जानेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है. अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला. ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल. ठीक है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला. जैसे एग्जांपल है जो रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड या LHS साइड में होता है जैसे कि मैंने पिछली बार बताया हुआ है, और प्रोडक्ट इन RHS. ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो और हाइड्रोजन का क्या होता है? O2, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2 और ऑक्सीजन का O2 मिलकर क्या बन जाएगा? डाई हाइड्रोजन H2O. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सिंबल, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल. ठीक है, जैसे कि ये पहले वर्ड में लिखा हुआ था मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है दोस्तों, आज अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को एक किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है. ठीक है, ये जैसे हम लोग लिख नहीं रहे 2-2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. थैंक यू.